पाकिस्तानी क्रिकेट में हलचल मची हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने बड़ा फैसला लिया है। आगामी वुमेन टी20 एशिया कप के लिए पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम की कमान पूर्व मैन क्रिकेटर मोहम्मद वसीम को सौंपी गई है। मोहम्मद वसीम पाकिस्तान के लिए 18 टेस्ट और 25 वनडे खेल चुके हैं। बल्लेबाज के रूप में उन्होंने टीम के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं। लेकिन क्रिकेट के मैदान से संन्यास के बाद वसीम ने कोचिंग की दुनिया में कदम रखा। वह पाकिस्तान के घरेलू टीम नॉर्दर्न के मुख्य कोच रह चुके हैं। उनके नेतृत्व में नॉर्दर्न ने लगातार 2 बार क्वायदे आजम ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई, जो पाकिस्तान की सबसे प्रतिष्ठित प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता है। इतना ही नहीं, 2019-20 सीजन में नॉर्दर्न को नेशनल टी20 कप का खिताब भी दिलाया। मोहम्मद वसीम के साथ एशिया कप के लिए पाकिस्तानी वुमेन टीम के लिए सपोर्ट स्टाफ का भी ऐलान किया गया है। पूर्व तेज गेंदबाज जुनैद खान को असिस्टेंट कोच के रूप में भूमिका सौंपी गई। वहीं स्पिन गेंदबाज अब्दुल रहमान स्पिन गेंदबाजी के कोच के तौर पर टीम के साथ रहेंगे। ये दोनों खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट का खासा अनुभव अपने साथ ला रहे हैं। तो क्या जुनैद खान की रफ्तार और अब्दुल रहमान की गेंदबाजी की समझ पाकिस्तानी महिला टीम की गेंदबाजी को धार दे पाएंगे? पाकिस्तानी वुमेन टीम ने हाल ही में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में मिली हार के बाद टीम के प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन करना टीम के लिए बेहद जरूरी है। तो क्या नया कोचिंग स्टाफ पाकिस्तानी महिला टीम को चैंपियन बनाने में सफल होगा? आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद वसीम पाकिस्तानी महिला टीम को सफलता दिला पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। और ऐसी क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।